see question number 14 and 15. Question number 15 मतलब inequality based question है और direct उसका हमने answer लिखा हुआ. And question number 14 पहले देखेंगे. Most general solution of the equation. Particular इस type के questions में किस तरह से workout करना होता है उसका working method मैं यहीं पे बताऊंगा आपको. And most general solution of the equation sin theta equals to minus half. दो equations दे रखी हैं sin theta equals to minus half. And second equation is given as the tan theta equals to 1 by root 3. Now, we have to find out the most general solution for both the equations. जब दोनों equations एक साथ दे रखी हो और दोनों का general solution निकालना हो, तो देखिए उसमें ऐसा workout करते हैं. First, you have to find out the solution between 0 to 2 pi, right? तो उसके लिए पहले हम note एक लिख लेते हैं. ऐसे केस में हमें एक काम करना रहता है. Find the solution, common solution. Find the common solution between 0 to 2 pi and then generalize the solution. Generalize the solution. पहले आप एक काम करेंगे कि इस तरह की कंडीशन में 0 से 2 pi दोनों इक्वेशंस के बीच में सॉल्यूशन निकाल लेंगे, राइट? और वो हमें एक एंगल मिल जाएगा, कॉमन एंगल, एंड व्हेन देन वी हैव टू जनरलाइज दैट एंगल. तो देखिए, अगर पहला अगर केस ये sin थीटा का है, sin थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ है, तो इसका ग्राफ ड्रा करेंगे sin थीटा माइनस हाफ, एंड दैट ग्राफ शुड बी बिटवीन 0 टू 2 पाई. तो 0 से 2 पाई में माइनस हाफ यहां मिलता है पाई, पाई माइनस दिस इज पाई 2 पाई. And we get the two values here. This will be the pi plus pi by 6, right? So this angle is 7 pi by 6. Or dusra milega 2 pi minus pi by 6 pe. So that is the 11 pi by 6. 11 pi by 6. So there are two angles here. Two angles ye mil gaye iske. That is the two angles are 7 pi by 6 and 11 pi by 6. At the these two angles, the value is going to be minus half, right? इसके बाद में second हम वो ले लेंगे, second equation जो दे रखी है, that is the tan theta equals to 1 by root 3, tan theta equals to 1 by root 3, और उसका भी graph आप जो plot करेंगे, that graph should be between 0 to 2 pi, तो tan का जो graph होता है, वो देखिए यहाँ से हम अलग ही start करते हैं उसको, लेकिन ये part इसमें नहीं आएगा, this is 0, right? And second ये आएगा, this is pi by 2, pi 3 pi by 2 और एक और flap का खाली आधा भाग रहेगा, ये नहीं रहेगा, and this is part, this is the between 0 to 2 pi. Now we have to seek where the 1 by root 3 is there. So 1 by root 3 एक तो आपको यहां मिलेगा directly, 1 by root 3 at the pi by 6, तो एक angle आपको directly मिलता है at the pi by 6, right? और दूसरा आप देख सकते हैं यहां मिलेगा दैट एंगल, दिस इज द पाई प्लस पाई बाय 6, सो दैट इज द 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, और उसके आगे आपको 1 बाय रूट 3 नहीं मिलने वाला, मींस वो एंगल अवेलेबल नहीं है, राइट? सो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 टू 2 पाई के बीच में कॉमन एंगल वी हैव टू सीक, एंड वी सी दैट हियर दिस इज द कॉमन एंगल बिटवीन द दीस टू इक्वेशंस. तो दोनों इक्वेशंस के बीच में पहले कॉमन एंगल निकाल लेंगे, दैट वी हैव फाउंड इट. सो दैट कॉमन एंगल इज 7 पाई बाय 6, राइट? देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, सो जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू, उसको 2n पाई से जनरलाइज करेंगे आफ्टर द एवरी 2n पाई, बिकॉज़ वी विल गेट द सेम एंगल आफ्टर एवरी 2n पाई. So 2n pi ke multiple mein milega wo. So that is the, this is 2n pi plus 7 pi by 6. Now see the B option is correct here. So is tarah se B option a jayega. Right. Iske baad next lenge question number 15. Question 15 says that the solution of the inequality, right?
इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए एंड कॉस एक्स इक्वल टू माइनस हाफ से ग्रेटर, सो बेस्ट है इसका ग्राफ बना लेंगे, दैट इज द, क्योंकि कॉस एक्स का ग्राफ जो लेना है आपको माइनस हाफ से ग्रेटर लेना है, राइट। सो कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स एंड सीक द एंगल, माइनस हाफ से ग्रेटर चाहिए, राइट। तो माइनस हाफ से ग्रेटर यहाँ पे होगा माइनस पाई, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय थ्री होता है, सो दैट एंगल इज एक्चुअल माइनस टू पाई बाय थ्री एंगल, दिस इज माइनस पाई बाय टू, और माइनस हाफ से बड़ी वैल्यूज इस वाले पोर्शन में मिल रही है, माइनस हाफ से यहाँ ग्रेटर हो गया, और इस तरफ भी देखिए आप ये पाई एंगल है, और पाई से पीछे अगर आते हैं तो दैट इज द टू पाई बाय थ्री एंगल, राइट। दिस इज द पाई बाय टू, पाई माइनस पाई बाय थ्री, दिस इज अगेन द टू पाई बाय थ्री एंगल पॉजिटिव, और इन इस पोर्शन में वैल्यू आपको माइनस हाफ से बड़ी मिल रही है, राइट। सो दिस इज द एंगल, और उसी को जनरलाइज कर देना है, बिकॉज जो उसका पीरियड है कॉस का टू पाई है, सो आगे भी आपको टू पाई माइनस टू पाई प्लस टू पाई ऐड करेंगे, सो दैट यू विल गेट द सेम इंटरवल, राइट। इसके बाद में आगे जब वैल्यू मिलेगी आपकी, कॉस एक्स का पूरा ग्राफ नहीं बनाया मैंने, मान लीजिए अगर पूरा ग्राफ बनाता है इस तरह से, तो इस तरह से वैल्यूज आपको मिलती जाती, कॉस एक्स का ग्राफ आप कंटिन्यू अगर करेंगे और उसमें टू पाई इंटरवल ऐड करते जाएंगे, सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। जैसे यहाँ पे आपको मिला माइनस हाफ से बड़ा, तो ये सेम पोर्शन आगे मिलेगा आफ्टर द टू पाई, सो यू विल गेट हियर फ्रॉम हियर, राइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, सो अगेन यू विल रिसीव दिस एंगल, और एक एंगल हमने ये क्रिएट किया था इसमें बड़ा आया, फिर आएगा माइनस अगेन व्हेन यू ऐड द टू पाई, सो अगेन यू विल गेट द सेम इंटरवल, राइट। सो कंटिन्यूसली कॉस एक्स शुड बी माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस हाफ विल रिसीव दैट पर्टिकुलर इंटरवल, तो इसी को हमें जनरलाइज करना है, सो एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास में जो आया माइनस टू पा बाय थ्री से लेके टू पा बाय थ्री तक, और इसी को अगर जनरलाइज कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन अगर बनाना है, सो दैट कैन बी द एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई एडिंग बोथ साइड, सो दिस इज द टू एन पाई माइनस टू पा बाय थ्री से लेके टू एन पाई प्लस टू पा बाय थ्री, बिकॉज टू पाई इज द पीरियड ऑफ कॉस एक्स, तो आपको टू एन पाई जनरलाइज एंगल उसमें you have to add both side to get the things, right? So this is the solution for the cos x is greater than equals to minus half. Iske baad next lete question.